अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 एंड हो चुका है, उसके साथ साथ PSL 7 भी इख्तिताम पजीर हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें 2023 की, तो PSL 8, जिसका लोगों को बेइंतहा इंतज़ार होता है, बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि लाइव हम कब जाकर देखेंगे, हम अपनी टीम को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी टाइम खेले जाएंगे, आप लोग लाइव कब देख सकते हैं। मगर उससे पहले मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो बताऊंगी कि PSL 9 फरवरी से 19 मार्च 2023 चार शहरों में खेला जाएगा, यानी लाहौर, मुल्तान, कराची और रावलपिंडी में। और पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी और पहले मैचेस मुल्तान में होंगे, जबकि आखिरी फाइनल मैच जो होगा वो लाहौर कजाफी स्टेडियम में होगा। पहला मैच 13 फरवरी को लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान में होगा। अगर हम बात करें ड्राफ्ट की, तो ड्राफ्ट का लोगों को बहुत इंतज़ार होता है, सो वो इंतज़ार भी ख़त्म हुआ, सिर्फ आज की रात है कराची में ड्राफ्ट खेला जाएगा। बात करें PSL स्क्वाड की, तो PSL 8 स्क्वाड भी आ चुके हैं। मुल्तान सुल्तान से मोहम्मद रिजवान हैं, शान मसूद हैं, खासदिल शाह हैं, रेली रोसो हैं, टीम डेविड हैं, इमरान सीनियर हैं, शाहनवाज दानी हैं, फ्लिप हैं, सुहेब मकसूद हैं, इमरान ताहिर हैं, रोमन रईस हैं, एहसन उल्ला हैं, डेविड वीले हैं, आमिर अजमत, मुजरबानी, आसिफ अफरीदी, अब्बास अफरीदी और रिजवान हुसैन खेलेंगे। जबकि लाहौर कलंदर की बात करें, तो लाहौर कलंदर में शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, हैरी ब्रोक, राशिद खान, फ़खर जमान, फिल सॉल्ट, कामरान गुलाम, डेविड वीजे, बैंडंग, दीन फॉक्स क्रॉफ, मैथ्यू फ्रॉट्स, इस्मत पटेल, हारिस रऊफ, आकिफ जावेद, अहमद दानियाल, मोहम्मद इमरान, जमन खान, जिशान अशरफ खेलेंगे। कराची किंग में इमाद वसीम कैप्टन है, कासिम अकरम है, मोहम्मद अली है, रुहेल हाजिर है, मोहम्मद आमिर है, कोलिन इंद्राम है, जोए क्लार्क है, शुएब मलिक है, हैदर अली है, मोहम्मद इलियाज हैं, आमिर यामीन है, मीर हमजा है, जिशान मलिक हैं, वेल्टन है, दानिश अजीज़, वक्कास, मकसूद खेलेंगे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में शादाब खान कैप्टन, आसिफ अली, मोहम्मद वसीम, फहीम अशरफ, एलेक्स हेल, विल जैक्स, आज़म खान, हसन अली, मोहम्मद मूसा, कोलिन मुनरो, इलंगे, लियम डॉसन, रहमानुल्लाह, गुरबाज, पॉल स्ट्रेलिंग, मोहम्मद इकलाक, जिशान जमीन, जफर गौहर और अथर महमूद खेलेंगे। और अगर हम कोयटा की बात करें, तो सरफराज अहमद, मोहम्मद नवाज, इफ्तकार अहमद, मोहम्मद हसनैन, उमर अकमल, सिकंदर रजा, जेम्स विंसले, लोकी वुड, एरोन फिंच, एहसन अली, नूर अहमद, जेम्स फ्लोटर, विल स्मिथ, जैसन रॉयल, नवीनुल हक, खुर्रम शहजाद, जाहिद महमूद और शाहिद आफरीदी खेलेंगे। अगर हम पिशावर जलमी की बात करें, तो पिशावर जलमी में बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, वहाब रियाज, शरफन, रेदरफोर्ड, जजाई, लिविंग स्टोन, उस्मान कितर, आमिर जमाल, हुसैन तलत, सलमान इरशाद, साकिब महमूद, टॉम कैलन, बैन कटिंग, मोहम्मद आमिर खान, इरशाद इकबाल, समीन गुल, मुजीबुर रहमान और इब्रार अहमद खेलेंगे। तो ये हर टीम अपनी जगह स्ट्रांग होती है, हर कोई चाहता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाए, बेस्ट कारकर्दगी दिखाए। उसकी अहम वजह ये होती है कि आप लोग उनको सपोर्ट किस तरह से करते हैं, जो बहुत अहम होता है। ऑब्वियसली आप जब स्टेडियम में जाते हैं, तो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं और यही क्रिकेटर्स जो हैं, यही क्राउड को देखते हैं, यही पब्लिक को देखते हैं कि कौन किस टीम को सपोर्ट कर रहा है। सो बस ये सारी टीम्स ही हमारी हैं, हम उनको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, उनके लिए दुआएं करेंगे। और जो मामला अभी बीच में पेश आया है बाबर आजम के साथ, तो उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ अब दोबारा नहीं होगी, क्योंकि देखिए अच्छा खेलें या उसमें कमी पेशी हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप सपोर्ट करना छोड़ दें। सपोर्ट लाजमी होती है, उनको इनक्रेज करें ताकि वो बेस्ट खेल के दिखाएँ और उन्होंने जो तैयारियाँ की हैं वो उनकी काम आए। सो बस दुआएं करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, ये वो वक्त है इनको कि ये वो वक्त है कि हर बंदा इस इवेंट को इंजॉय करना चाहता है, इंजॉय करता है। जिसको इंटरेस्ट भी नहीं होगा, वो भी यही सोचता है कि नहीं आज हम बैठेंगे देखेंगे कि कौन किस तरह से खेल रहा है। सो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करें और मज़े करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।